they getting some funds from resources? क्या सीन है? आप मुझे जरा बताइए क्या सीन? जी भाई, आपको पता है यूएस ने पाकिस्तान को जेंडर प्रोग्राम में $70 million फंड किए थे कि लोगों को एजुकेट करें इस बारे में. ह्यूमन राइट्स की बात है ना, तो वो ऑब्वियसली उस पे तो काम करेंगे. पाकिस्तान पावर नहीं बोलता, जो है ना, वैसे नहीं बोलता, नहीं बोलता, लेकिन चाहे पैलेस्टीनियंस का मामला हो. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. बेसिकली $70 million जो है वो फंड्स में आए थे जेंडर प्रोग्राम को एजुकेट करने के, लोगों को डिसेंसिटाइज करने के लिए. उन्होंने ना सिर्फ पर्सनालिटीज डेवलप की जो इस बारे में बात करें, उनके लिए प्लेटफॉर्म्स भी डेवलप किए और उन प्लेटफॉर्म्स को भी फंड किया कि वो आके वो एजेंडा, वो आइडिया, वो कॉन्सेप्ट जो है लोगों को उस प्लेटफॉर्म्स में आके समझाएं और ओपनली समझाएं, नो रिस्ट्रिक्शंस व्हाटसोएवर. इवन चले वो नेचुरल, हम ये बात मान लेते हैं, समथिंग टू बी नेचुरल इज नॉट एन एविडेंस फॉर इट टू बी राइट और एथिकल. स्किज़ोफ्रेनिया नेचुरल है, एंग्जाइटी नेचुरल है, लेकिन जब आप एंग्जाइटी से गो थ्रू करते हैं तो लोग आपको एडवाइस करते हैं कि गो सी अ साइकियाट्रिस्ट, सी ए साइकोलॉजिस्ट, उनको जाके खुद को एक दफ़ा चेकअप करा लें, वो आपको पिल्स प्रिस्क्राइब करेंगे, SSRIs प्रिस्क्राइब करेंगे, SNRIs प्रिस्क्राइब करेंगे, ताकि आप जो है आपकी जो केमिकल इम्बैलेंसेज हैं आपके ब्रेन में वो स्टेबल हो. ये चीज़ इट इज़ नॉट नेचुरल. इवन इफ इट इज़ नेचुरल, दिस इज़ नॉट एन एविडेंस फॉर इट टू बी एथिकल. जी भाई, मैं ये चीज़ देखता हूँ कि हमारे जिस तरह माशाल्लाह से बड़ा अच्छे तरीके से पहले भी ज़रीन ने समराइज किया कि किस तरह से हम यानी हार्डशिप में होते हुए ये सोचते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला बन गया. हाउ कम? जिसने अल्लाह सुब्हान व तआला जिसने आपको लाइफ दी है, जो एक जानवर छोटी सी छोटी चुंटी जो है उसको तक रिस्क पहुँचाता है, तो आपको क्यों नहीं पहुँचाएगा वो रिस्क? और वो आपको किस तरह से एक यानी अपने हाल पर छोड़ देगा? अगर इस तरह की आपके ऊपर सिचुएशन आई है, नो दैट, नो फॉर अ फैक्ट के अल्लाह सुब्हान व तआला की ज़ात देख रही है एंड ही इज़ देयर फॉर यू. लेकिन बात यही है कि हम इस चीज़ को समझें, इंटरनलाइज करें और एक्सेप्ट करें आफ्टर रीडिंग अबाउट इट और नॉलेज हासिल करने के बाद. तो मैं पर्सनली भी इस तरह कुछ लोगों को जानता हूँ कि जो कहते हैं कि यार अगर मैं दीन की तरफ आ गया तो फैमिली वाले क्या बोलेंगे, या मेरे दोस्त इतने सारे हैं, वो दोस्त कहाँ से मिलेंगे मुझे, सारे छोड़ के चले जाएंगे मुझे, और मैं क्या करूँगा. तो सुभान अल्लाह, आप मसला ये कि उनको शायद ये बात नहीं पता कि जो नेक हिदायत है, गाइडेंस, गाइडेंस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट या प्रॉब्ली वन इज़ द बिगेस्ट यानी नेमत जो कि आपको इस दुनिया में मिल सकती है. यानी जिसको नेक हिदायत मिल गई उसके लिए तो दुनिया जैसी भी हो, आखिरत इज़ फॉर श्योर, फॉर श्योरली उसकी आखिरत जो है वो कामयाब होगी इंशाल्लाह. आपका गोल पर्पस है यहाँ पे आने का, अगर आपका गोल पर्पस ये है कि अल्लाह की खुशनूदी और जन्नत का हुसूल और अपने आप जन्म की आग से बचा लेना, तो नन ऑफ दिस विल मैटर. लोगों की खुशनूदी, लोगों को सेटिस्फाई करना, लोगों की नज़रों में बड़ा दिखना, ये सारी चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करेंगी. अगर वो जो मेन बड़ा पर्पस है, गोल है जो आपका, इफ़ इट इज़ ब्लर्ड, अगर वो आपको नज़र नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जा, फिर आपको ये डिस्ट्रैक्शन जो है ना वो सारा का सारा ये सब चीज़ आपको इफेक्ट करेंगी कि लोगों किस तरह इंप्रेस कर रहे हैं, हाउ डू आई फिट इन, मैं अच्छा कैसे दिखूँ, ये सब चीज़ें आपको असर करती हैं. इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जब आप मिसाल के तौर पर आप किसी इमरजेंसी में कहीं पर जा रहे हो, आप खुदा ना खासा आपने कभी हॉस्पिटल पहुँचना है, आपको रस्ते में आपकी गाड़ी कहीं टच हो जाती है हल्की सी, आपकी गाड़ी पर कुछ स्क्रैच लगता है, वुड यू एवर बॉदर स्टॉपिंग देयर और उस बंदे से आप बहस करेंगे उसके ऊपर? कभी भी नहीं. हमारे जब एग्जाम्स हो रहे होते हैं, हमारे ऊपर चाय गिर जाए, खाने का नहीं पता होता हमें, नहाने धोने का नहीं पता होता हमें, कपड़ों का नहीं पता होता हमें, किसी चीज़ का गम फिक्र नहीं होती, क्यों? क्योंकि हमें पता है ये गोल है, ये पर्पज़ है, ये अचीव करना. तो अगर हम इसी तरीके से आखिरत के बारे में भी अपना जो वर्ल्ड व्यू है वो सेट रखेंगे कि यार मैंने जन्नत का हसूल करना, अल्लाह का खुशनुदी हासिल करना, अगर ये अचीव करना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो कंज्यूमरिज्म की बात की, हिडनिज्म की बात की, लोगों की सेटिस्फैक्शन, डोपामीन ओवरडोज, ये सारी चीज़ें हमारे लिए ना इररिलेवेंट रहेंगी. आई थिंक माई पॉइंट ऑफ व्यू, माई टेक ऑन दिस इज़ के जितना आप लोगों को ये बात का एहसास दिलाएं, एजुकेट करें, उनको इस तजुर्बे से गुजरने दें और उनको ये बात को समझाएं कि कितनी लिमिटेड टेम्परेरी दुनिया की चीज़ें हैं और कितना एवरलास्टिंग अल्लाह सुबहाना ताला है, जन्नत की कितनी हकीकत है और दुनिया की चीज़ें और दुनिया की खुशी कितनी टेम्प्ररी है, जितना उनको वो चीज़ इंटरनलाइज होगी उतना ही उनको जल्दी इस बारे में ख्याल आए. हम असल में ऑपोजिट कर रहे होते हैं, हम जब
बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं तो हम ये बात बता रहे होते हैं कि बेटा आपने पढ़ भी ले रहे हो ताकि आपकी नौकरी मिल जाएगी, आपके पास पैसा आ जाएगा, आप स्कूल क्यों जा रहे हो, आप इसलिए जा रहे हो। हम लोगों को ये बात खुद ही इंस्टिल करते हैं कि आपकी असल खुशी चीज़ों को हासिल करने में है, और एट द सेम टाइम फिर कॉन्ट्रीब्यूशन होती है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दीज आर ओनली थिंग्स विच यू यूटिलाइज एंड दीज थिंग्स डू नॉट यूटिलाइज, आप इनसे नहीं चलते, ये आपसे चलते हैं। तो टेक एज मच एज यू कैन एंड लर्न टू बी हैप्पी विद वॉट एवर हैज बीन गिवन टू यू, उसमें अल्लाह ताला और मजीद दे, दैट डज नॉट मीन कि अच्छी बात नहीं है, आप उसको हासिल कीजिए, बट अंडरस्टैंड कि इन चीज़ों की जो टेम्पररी जो एलिमेंट है ना वो बहुत आपको उसकी समझ आ जाएगी, तो आपको पता जाएगा जो चीज़ ऐसी चीज़ के पीछे भाग जाए जो रब है, जो परमानेंट है, उसकी एवर लास्टिंग है, तो आपको असल में जब ये इंटरनलाइज होगी आप ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को सिर्फ चीज़ों के तौर पर ही लेंगे। जो आज मैं इंडिविजुअल हूँ शायद मैं वो नहीं होता, एंड मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊँ, ये सफ़र नहीं पूरा होता अगर आपको कोई साथी ना मिले, एंड दैट साथी डज नॉट हैव टू बी नेसेसरीली अबाउट शादी, बट इट हैज़ टू बी रिगार्डिंग अ भाई, अ फ्रेंड हु कैन एक्चुअली पिक यू अप। तो इसलिए आप ये मत हमारी बात से ये बात का गुमान कीजिए, अंदाजा लगाइए दैट यू हैव टू फाइट दीज बैटल्स अलोन। एग्जैक्टली, नो यू डोंट हैव टू फाइट दीज बैटल्स अलोन, एंड यू आर नॉट, एवरीवन इज नॉट सपोज्ड टू। मैंने पर्सनली ज़ाती ज़िंदगी में, since we're talking about personal experiences, so I fought this battle alone for a long time. I've never talked about this. I don't talk about this. I don't like talking about this. Because I don't like talking about this because I feel people won't understand. But बहुत बड़ा अरसा लोगों को दोस्ती में सफाइयाँ पेश करना, not realizing why people are not happy with you. Why is it that, are you making mistakes? Are you not living up to their expectations? At the end of the day, आप झूठ बोलना शुरू कर देते हैं to be able to make them happy. And आपकी दोस्ती जो है लोगों की बदलती जा रही है because somehow the other वो आपसे कोई और expectations रख रहे हैं and आप सफाइयाँ दे दे के लोगों को convince करके eventually when you waste up your energy then something else happens and then you back to square one. So high maintenance relationship. And then you realize कि you don't have to allow other people to go through the same in your presence. And everyone has a different battle to fought. हर कोई कोई ना कोई लड़ाई लड़ रहा है, तो लोग जो है ना कम से कम ये एक गलती जरूर करते हैं कि ये लड़ाई अकेले लड़ने लगते हैं, एंड they don't communicate, they don't speak about it, they allow it to go so bad in their life कि वो अब बोलते हैं कि अब यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। जिसको अंधेरे की आदत होती है ना उसको इनिशियल रोशनी की जो चमक होती है ना चुभती है, जो दलालत का आदि होता है, दलालत मतलब गुमराही का आदि होता है, उसको जब रोशनी दिखाई जाएगी ना चुभेगी उसको, और ये इनकी मिसाल यही है कि इनको अंधेरे में रहने की आदत है। और जब और एक और मिसाल ये बात की कि एक शेख ने बात कही थी कि ये वो मक्खियां हैं जो कचरे पे बैठने के आदि हैं, इस्लाम आता है तो वो कचरा साफ कर देता है, इनको पता इनको जगह नहीं मिलती जाने की, कहाँ जाएं, ये बेसकून हो जाते हैं कि हमें नहीं मिल रही। तो जब आपने आपको देखे जैसी रूह वैसी ग़िज़ा, आपकी जैसी रूह वैसी ग़िज़ा, और आपको जब जिस चीज़ की आदत हो ना आप उसी की तलब रखोगे। आप इसलिए इस हदीस को ब्रॉड स्केल में देखो कि जो अल्लाह सुबहाना व तआला फरमाते हैं जो मुझसे मिलना चाहता है अल्लाह सुबहाना तआला से मिलना चाहता है, आप अल्लाह ताला से मिलना चाहते हैं? आपकी ज़िंदगी बात रिफ्लेक्ट करती है कि अल्लाह ताला से मिलने के लिए आप तैयारी कर रहे हो? आप अल्लाह ताला से मिलने की तैयारी में क्या आपकी ज़िंदगी में, क्या एक बंदे की मैं बात सुन रहा था, बहुत ही बड़े लिबरल हैं वो और बहुत ही उन्होंने नफरत का इजहार किया और बहुत ही प्रमोट करते हैं, मैंने उनकी पूरी तो नहीं पूरी कुछ स्पीच सुनी, मैंने बोला यार इसमें इनके मुँह से अल्लाह का नाम लेकर नहीं निकला। वो अपनी सालगिरह की मुबारकबाद दे रहे थे और बोल रहे थे मुझे बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं, बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं कि मुझे मेरी बीवी मिली। मैंने बोला यार इस पूरी वीडियो में क्या अल्लाह सुबहाना व तआला का नाम आया? क्योंकि एक बंदे की प्रायोरिटी जबान से रिफ्लेक्ट हो जाती है। आपका अकल एक बर्तन की मानिंद है, आप चाहते हो कि अल्लाह सुबहाना व तआला के लिए तमाम मिसालें आला हैं, आप चाहते हो कि एक समंदर को उसमें डाल दिया जाए, तो एक चीज़ उस चीज़ को नहीं कंटेन कर सकती। लेकिन आप कभी भी देखिए आपका ईमान आपकी समझ के लिए बेहतरी होगी चीज़ में बेस बनेगी, लेकिन आपके ईमान को बढ़ाने के लिए अगर साइंस ही बेस बनती तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला शायद कुरान में साइंटिफिक
फैक्ट्स को मेंशन कर देते। लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपको पढ़ने लिखने की भी तौफीक दी है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये बात बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि देखिए नहीं, आपका जब दिल बदलेगी ना कोई चीज़, वो आप दिल की आँख से बदलेगी, आप ये जिस्मानी आँख से नहीं बदलेगी। जब आप देखोगे ना, आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे, तो वो आपका आपका आपको एक अलग यकीन देगी। क्योंकि बहुत सी चीज़ें अल्लाह ताला ने इस ज़ाहिरी दुनिया से नहीं रखी हुई। नमाज पढ़ोगे, नमाज का असर ज़िंदगी में दिखेगा, उस नेगेटिविटी को और दिल की आँख को खोल के पता चलेगा। आसमान से पानी गिर रहा है, उस आसमान से पानी गिर के तुम देखोगे यार यही पानी जब इस पौधे को गिर रहा है तो वो सेब दे रहा है, दूसरे को दे रहा है तो वो स्ट्रॉबेरी निकल रही है, कुछ निकल उसमें केले निकल रहे हैं, और एक मक्खी है वो भी क्या कहते हैं उसी पानी से पी के शहद निकाल रही है, दूसरा दूध दे रही है, उसी से फना हो रही है, मसला समझ। इसी अल्लाह सुब्हानहु क्या बोला कि गाय के अंदर के मामले देखा ना कि उसके इंटेस्टिन और उसके खून के बीच में से जो है फीसिस के बीच में से अल्लाह सुब्हानहु दूध निकालते हैं। ये कुदरत है अल्लाह सुब्हानहु की। क्या अल्लाह ताला की अल्लाह ताला बार बोलते हैं कि अल्लाह ताला से बेहतर कोई खालिक है, कोई तुम्हारा खालिक हो सकता है कि तुम्हारा अल्लाह ताला के अलावा कोई और इलाह हो सकता है? अल्लाह ताला जमीन और आसमान की बात करते हैं, क्या तुम्हारा कोई और इलाह हो सकता है? ये सब बातें हमें समझने की जरूरत है कि यार आप यकीन क्या है आपका, आपका किसकी बात पर यकीन है, आप किसके ऊपर ईमान लाए हो? इस पर आप ईमान लाए उसकी बात आप मानो। लेट्स से मेरा गोल ही है कि मैंने वेट लूज करना है, छह महीने हो गए। मैंने आपने शादी की बात नहीं की आपने। अब मैं आगे कुछ आगे चले आप बोले थे खत्म खत्म फिर हमारा लूज करना है। छह महीने हो गए मैंने आपने शादी की बात नहीं की आपने। अब मैं आगे कुछ चले आप बोले थे खत्म खत्म फिर हमारा डिस्कशन फिर एक अच्छी तरीके से कहीं और चला जाता। जी जी अच्छा क्या बात कर रहा था मैं? आप भूल गए ना, बस ये चेक कर रहा था मैं। क्या बात होगी? क्या बात है, बात ही भूल गई है। जिसने नुक्स निकालना है, जिसने आपको ब्रिंग डाउन करना है, वो तो फिर आपके लिए तो कभी भी सिंसियर एडवाइस नहीं करेगा। वो आपको चाहे कुछ भी कर लो, मिसाल के तौर पर पीर साहब की बात बता रहे थे कि पीर साहब की जो वाइफ थी वो उनको अप्रिशिएट ही नहीं करती थी, मानती नहीं थी। भाई मैंने सब कर लिया, नहीं यू आर नॉट द एक्चुअल पीर साहब। मैंने ठीक है आज मैं बताऊंगा। मैंने तो अपने करामात दिखाते हुए उड़ते हुए गए तो बीवी ने देख लिया घर पे आके बोला कि मैंने आज सही वाला पीर देखा है, मैंने असली पीर देखा है जनाब। तो क्या कहता, वो उड़ के जा रहा था, अच्छा था? हाँ अच्छा था सर, वो मैं ही था। सर आप थे जब ही तेड़ों की ओर ऑन अ सीरियस नोट योर वाइफ्स कैन टेल यू। कंफ्यूज ना किया जाएगा, दोस्तों की महफिल में बैठे हुए होते हैं और एक नाकाम आशिक होता है, बोलते हैं कि या समोसे, उसे भी समोसे पसंद है। लेकिन ये तो उसके बारे में सोचा वो कह रहा ना, बिकॉज़ इट इज ऑलवेज ब्रिंगिंग द गेट एवरीबॉडी लाइक ये लेट्स पार्टी या शी यूज्ड टू पार्टी एज वेल। यार व्हाट इज इट विद यू मैन, ऑलवेज ट्राइंग टू किल ऑन यार ब्रो फन को खत्म क्यों करते हो यार, शी यूज्ड टू टॉक अबाउट ब्रो फन एज वेल। अननोइंग होता है ना हर वक्त ना, उनको बोलते यार तू उसके घर पे छोड़ के आ जा ताकि कम से कम हमारी जो तफरी को खराब ना करे। वो हमेशा दुनिया फोकस होती है कि दुनिया में पहले ये स्कूल पढ़ लो, फिर जॉब कर लो, फिर फैमिली एंड स्टफ, कभी आखिरत यार आप ऐसे देख नहीं। मुझे वो वीडियो याद आ गया, अरे बिका के काबे के सामने खड़े होकर एक आदमी था, वो कहता फुलूस 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 फुलूस, वो बराबर हुआ कहता था ना अखी जन्ना जन्ना, बोला हाँ जन्ना लेके फुलूस फुलूस, भाई पैसे पैसे पैसे, बोलता यार तू पैसे मांग रहे काबे के सामने खड़ा हुआ, ठीक है पैसे भी मिल जाएंगे लेकिन जन्नत मांग भाई, यहाँ पे मांगने वाली क्या चीज है भाई। वो बात हो गई ना कि आपको प्रिंसिपल ने ऑफिस में बुलाया, आपसे पूछा कि जाना कि ठीक है आपका वो नहीं रहा, तो क्या कहते हैं आप क्या चाहेंगे, क्या मांगना चाहेंगे? बोलते हैं सर वो दूसरी सेक्शन में लड़की है, मैं उससे बात करना चाहूंगा। सर बोला यार मैं तुम्हें ग्रेजुएशन की अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, तुम तो वो भी कर सकते, तुमने एक फजूल चीज मांगी, तुमने बोला कि बस प्रिंसिपल मुझे पकड़िएगा नहीं, बस मुझे ये वाली अपॉर्चुनिटी दीजिए। भाई तुम बोलो मुझे सारे कोर्सेज में पास कर दे, मुझे डिग्री दे दे, मुझे वो कर दे, वो मांगने वाली वक्त पे जो मांगने वाली चीज है वो फजूल की चीज मांग रहे हैं, काबे के सामने खड़े होकर जन्नत मांग रही है, अल्लाह ताला बोले मैं देता हूँ क्या देता हूँ। अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में फरमाते हैं कि जब जन्नत में जाएंगे लोग तो वो देखेंगे कि जहन्नम वालों को, तो उनसे पूछेंगे कि व्हाट मेड यू एंड अप इन हेल फायर, कि व्हाट मेड यू कि तुम जो है जहन्नम में एंड अप हो, तो उसमें से जो चार रीजन बताएंगे उनमें से क्या है, वो कुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, कि हम फजूल की बातें करने वालों के साथ फजूल की बातें करते थे। तो ये जो अगली साइज है, यस टेक्नोलॉजी के जरिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है,
rather than ये technology आपको control करे, आपको technology को control करना बहुत जरूरी है. Tristan Harris, जो बंदा is behind developing Google, इसको अगर आप search करें, this guy is talking about, इसने एक अपनी जिंदगी का मुहिम बना दिया about ethical technology के ethical values के ऊपर technology को लेके आना. But the problem is, why is this not becoming widespread? क्योंकि ethics आपको पैसे नहीं बना के देती. और वो शख्स ये कहता है कि आपको अगर ये बात का realization करनी है कि baseball, tennis और इन तमाम sports activities से ज़्यादा combined अगर कोई चीज़ पैसा कमाती है और ज़्यादा quickly कमाती है, तो वो है slot machines. जो स्लॉट मशीन्स गैम्बलिंग में यूज़ होते हैं, जहाँ पे लोग पैसे डालते हैं, उनको साउंड आती है, उनको एक डोपामाइन इफेक्ट आता है. यू नो, डोपामाइन आपके दिमाग में एक फीलिंग, अच्छा मैसेज देता है. जब आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और आपको किसी का मैसेज आता है या किसी का SMS आता है या कोई आपको प्राइवेट मैसेज करता है, तो आपके दिमाग में एक डोपामाइन रिलीज़ होते हैं. इट गिव्स यू अ गुड फीलिंग कि मुझे इम्पोर्टेंट फील किया गया है. तो स्लॉट मशीन्स आपके डोपामाइन जो हार्मोन है उसमें अफेक्ट करते हैं. यही चीज़ आपको, इसलिए आप लगे ही रहते हैं. तो ये ऐप्स और टेक्नोलॉजीज डिज़ाइन इसी तरह से होते हैं ताकि आप इसी ख्याल में रहें कि आगे क्या होगा. नेवर एंडिंग स्क्रोलिंग. आप देखिए, इट्स बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली स्क्रोलिंग ऑन द मोबाइल एंड इट्स नेवर एंडिंग थिंग. उसके बाद अच्छा ये वीडियो कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा वीडियो आएगा, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपका आधा घंटा, आपका एक घंटा कहाँ से निकल गया. वी आर इन द सेम बोट, आप और मैं एक ही कश्ती में सवार हैं. सो इवन मैं अगर आपको अभी चैलेंज दूँ अभी कि आप अपने वीडियो, मेरी इस वीडियो को देखते हुए, इस लेसन को, सेशन को सुनते हुए, कोई और स्क्रोलिंग ना करें ड्यूरिंग दिस एंटायर टाइम, या सुबह फजर तक आप अपने फ़ोन पर स्क्रोलिंग ना करें, उसको एयरप्लेन मोड में डाल दें और कल सुबह तक ना देखें और सहरी के बाद तक उसको ना देखें, तो आप एक अजीब सा ऑकवर्ड फील करना शुरू कर देंगे. एंड यू नो, दीज आर साइंस जो हमें बताती हैं कि वी आर इन अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन. व्हाई इज इट प्रॉब्लम, बिकॉज ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं. बिकॉज एक बच्चा अंधेरे से डरता है, ये ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, ये ज़्यादा परेशान कुन बात है, या एक बड़ा, एक एडल्ट रोशनी से डरता है. वी नीड टू थिंक अबाउट इट, बिकॉज यू नो दिस इज व्हाट हैज टेकन ओवर आवर लाइव्स. एक शेख के साथ लोग हदीस की किताबें पढ़ रहे थे, तो एक नौजवान आया, और आप नौजवान में आप लिबरल ले लीजिए, कोई सी और ख्यालात के ले लीजिए, ओके, बोलता है कि ओ माय गॉड, तुम लोग अभी तक इन किताबों में लगे हुए हो, और जो लोग हैं वो चांद तक पहुँच गए. तो शेख ने बोला, तो क्या हुआ, वो चांद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ बैठे हुए उस चांद के रब तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. तो उसने बोला, ये तो अजीब जवाब दी. लेकिन शेख ने फिर आगे ऐड किया कि फिर तो आप तो दोनों तरह से लूज़र बैठे, नाकाम बैठे, क्योंकि ना तो आप चांद पे पहुंच पा रहे हैं, ना अभी हमारे साथ बैठ के उस रब तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं. तो देखिए, अल्लाह ताला ने आपको मुझे बहुत कम इल्म दिया, और मैं थोड़ी सी आपको इल्म देता हूँ. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब बंदा कब्र में जाएगा और सवाल होगा, तो जब उठेगा तो उसको सूरज गुरूब होता हुआ नज़र आएगा, तो बोलेगा मुझे असर की नमाज़ पढ़नी है. लेकिन उस वक्त तो नमाज़ पढ़ने का नहीं है. क्या पॉसिबिलिटी है, क्या अल्लाह ताला उठा के रूह कहाँ डालता है, कौन सी दुनिया है, कौन सा रिल्म है, कौन सी डिमेंशन है, कौन सा क्या है, कब्र में लोगों के कदमों की आवाज़ सुन रहे हैं, अल्लाह ताला किस तरह से उसके लिए दरवाज़ा खोलते हैं, अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल है? अल्लाह सुबहानहू ताला इज़ ग्रेटेस्ट. और थोड़ी सी ये झलक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और हदीस में दी कि अल्लाह सुबहानहू ताला ने जो आसमान बनाया हमारे आसमान के ऊपर, नीचे वाला आसमान ऊपर वाले आसमान के लिए ऐसे जैसे एक अंगूठी हो एक रेगिस्तान में, और उससे ऊपर वाला जो आसमान है, नीचे वाला आसमान उसकी नज़दीक ऐसा है जिस तरह से रेगिस्तान में एक रिंग हो. उससे ऊपर वाला आसमान है जो नीचे वाले आसमान के से इतना बड़ा है कि वो रेगिस्तान है, नीचे वाला आसमान एक रिंग है. और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि अल्लाह ताला का अर्श इतना बड़ा है कि अल्लाह सुबहाना ताला के अर्श के नीचे जो नीचे वाला आसमान है, जो सातवां आसमान है, वो इस तरह से जैसे एक अंगूठी हो,
एक रेगिस्तान में, और अल्लाह ताला कहते हैं ना वसी उस्समावात वल अर्द, अल्लाह सुभान ताला का जो अर्श है, जो ये कहते हैं वो आसमान और ज़मीन के ऊपर जो है छाया हुआ है, कि अल्लाह के रसूल ने बोला कि चार उंगलियों के बराबर भी आसमान में जगह खाली नहीं है, या तो फरिश्ता रुकू की हालत में या सुजूद की हालत में। बिल्कुल सही। क्या क्या किस बात का घमंड, किस बात का एरोगेंस? और हम जो सारी ये बात कर रहे हैं, ऑफकोर्स इसमें बहुत सी थेरीज इन्वॉल्व हैं, और सिर्फ ये अली और मेरी बात करने का मकसद ये कि देखिए यार, अंडरस्टैंड करिए, अल्लाह ताला के सामने झुकिए कि उसकी ज़ात कितनी बड़ी है, अल अलीम है, कितना जानने वाला है, एंड वी आर सो यू नो अवेयर ऑफ लिटिल थिंग्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि अगर बनी आदम को, औलादे आदम को अगर माउंट उहद के बराबर भी अगर सोना मिल जाएगा तो वो ये तमन्ना करेगा कि एक और मिल। अंग्रेजी की कहावत है, अ मैन हु हैज एवरीथिंग एनवीज द मैन हु हैज टू हैव एवरीथिंग। बनी आदम का जो पेट है वो कबर की मट्टी भर सकती है। एक एक्सपेरिमेंट था ना कि लोगों की के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व किया गया, तो वो लोग कुछ लोग टेबल पे कार्ड्स खेल रहे थे, अच्छा एज लॉन्ग एज नोबडी हैड एनी कॉइन्स विद देम तो वो जो है ना खुश थे, ठीक है यार हम्बल हैं। एक बंदे को ऑब्जर्व किया और उसको ऑन पर्पस कुछ लोग ने उसको डिज़ाइन इस तरह से किया था कि उसके पास आना शुरू हुआ, आया पहले खुश हुआ, अच्छी तरह से खुश हुआ, सेकेंड टाइम आया यस, थर्ड टाइम उसके पास आया उसने बोला हा हा हा, तुम्हें दिन यूं करना शुरू कर दिया। द आइडिया दैट आपको जब कंफर्ट आने लग जाए तो मेजॉरिटी पीपल जो है दूसरों को डाउन करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह सुबहान व तआला ने अगर कोई चीज़ में अता की है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा है, इसको अपनी सलाहियत की तरफ या अपनी बढ़ाई की तरफ एट्रीब्यूट ना किया जाए। अगर अल्लाह ने आपको खूबसूरती दी है, अल्लाह ने आपको माल दिया है, तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह ये फरमाते हैं कि अगर आप उसको अपनी तरफ उसको निस्बत दे देते हैं और ये भूल जाते हैं कि देने वाला कौन है, तो ये तकब्बुर में डेवलप हो जाता है। मतलब एक इंसान जो ये बात जानता है कि ये मुझे अल्लाह सुबहाना ताला की तरफ से दिया गया है, तो वो देने वाले की ज़ात की तरफ उसको शुक्र बढ़ता है, लेकिन अगर वो अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ नहीं ख्याल रखेगा तो वो उसको अपनी तरफ एट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा, आहिस्ता आहिस्ता तकब्बुर में बन जाएगा, क्योंकि वो दूसरे की तरफ उसको बिलिटल करने के लिए जरिया इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर उसको याद रहे कि जो देने वाला है वो आज मुझे दे सकता है, कल किसी और को दे सकता है, और अगर दे सकता है तो ले सकता है, आप नाशुक्री का एक इजहार आपका शुरू भी हो गया, कुछ लोगों का नहीं हुआ हो, कि आपने इतना कुछ होने के बाद आपने बोला कि यार इतने पैसे मिले यार थोड़ा सा और मिल जाता है। दुनिया में आपको हर चीज नहीं मिलने वाली, दुनिया आपको अगर अल्लाह ताला आपको डिसअपॉइंटमेंट दे देता है बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि आपने दुनिया के साथ अटैच नहीं हुए, अगर आपको थोड़ा सा भी मिल जाएगा आप उसके आदि हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला कभी देते हैं कभी लेते हैं, ये अप एंड डाउन चलता रहेगा। लोग सहाबा के ऊपर जो है अस्हाब जो हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके ऊपर तानाकशी करते हैं, उनकी गलतियों को छालते हैं। एक सहाबी थे, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगर पानी लाना होता है इस्तंजा के लिए वो लेके जाते, उनके लिए ख्याल रखते, क्योंकि उनकी मोहब्बत थी। उन्होंने बोला कि मेरी मोहब्बत का इजहार ये है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहूं। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया, क्या मांगते हो, मांगो। उन्होंने बोला मुझे रसूलुल्लाह टाइम चाहिए सोचने के लिए। उन्होंने बोला मैंने बैठ के सोचा, मैंने सोचा कि दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी, दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी, तो जो मैं मांगूंगा वो तो रहेगा नहीं। बाद में उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके बोला कि या रसूलुल्लाह मुझे जहन्नम से निजात चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुमने किसी से मशवरा किया है या ये खुद किया? उन्होंने नहीं कि खुद किया है। तो उन्होंने बोला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा खामोशी इख्तियार की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर बाद में बोला कि आपका काम हो जाएगा। उन्होंने बोला लेकिन आपने एक काम करना है, आपने कसरत से सजदे बढ़ाने हैं, मैं नहीं नफिल नमाज करनी है। नाउ सहाबा का क्या कंसर्न था, उनका उनका उनकी परेशानी क्या थी, उनका गोल क्या था? सिंपल, और ये वजह थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह सुबहाना व ताला ने आदम अलैहि सलाम की औलादों में देखा, बेहतरीन लोगों को अंबिया बनाया, और उसके बाद जो मेरे सहाबा हैं उनको देखा, उन बेहतरीन लोगों को मेरा सहाबा बनाया। आपके लिए हमारे लिए खुशखबरी, क्या खुशखबरी है कि मेरे भी कुछ भाई आएंगे। भाई? सहाबा ने बोला हम आपके भाई नहीं हैं। उन्होंने नहीं, तुम तो मेरे सहाबी हो। मेरे भाई आएंगे और मैं उनको मिस करता हूँ,
मैं उनको मिस करता हूं, क्योंकि वो बिन देखे ईमान लाएंगे। लेकिन खुशखबरी ये है कि उनकी जो नेकी होगी वो तुमसे 50 गुना ज्यादा कमाएंगे। क्यों? अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। वो तुमसे ज्यादा 50 गुना कमाएंगे। सहाबा के दर्जे पे तो हम कभी नहीं पहुंच सकते, सहाबा के दर्जे पर आप और मैं कभी नहीं पहुंच सकते, लेकिन इस बात की आपको और मुझको ये बात की एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि आप और मैं नेकी ज्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि ये इसको बिकॉज वी टेक आर डिसएडवांटेजेस इनटू मेक इट इनटू आर एडवांटेज। कि हमने नहीं देखा, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं ऑनेस्ट से बात करूं, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे शक नहीं है, अल्लाह ताला पे शक नहीं है, लेकिन मुझे अपनी जात पे शक है। मुझे नहीं पता कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए या मैं क्या अपनी साबित कदमी दिखाऊं। अल्लाह ताला रखे, साबित कदम रखे, मेरे पे क्या इम्तिहान आए, मैं कहां पे रहूं, मुझे नहीं पता, दुनिया मुझे खींच लेगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि यार मुझे अल्लाह ताला ने बेहतरीन अपनी तरफ से मौका दिया है। ये मेरी बेवकूफी नालायकी होगी कि मैं उसको कैश इन ना करूं। आपके बच्चों की तरबियत ये इंस्टाग्राम कर रहा है, और ये जनरेशन एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह चल रही है, दुनिया बाकी रहने वाली नहीं है। तुम अलहाकुमुत्तकासुर में लगे हुए हो, फिर आपकी आधी जिंदगी बाकी मसाइल में आ गई कि मेरे पास मोबाइल क्या होना चाहिए, मेरे पास नौकरी क्या होनी चाहिए, मेरे पड़ोसी या मेरे कजन की गाड़ी तो ये वाली है, मैं तो, आप आधी जिंदगी तो आप किसी चीज में निकल गई। आपके बच्चों की तरबियत ये इंस्टाग्राम कर रहा है, वो तरबियत इस तरह इंस्टाग्राम किस तरह से कर रहा है कि वो जो है एक तो आपको सिखा रहा है कि आपने खूबसूरती का मियार क्या है, अगर आपने अपने आप को पसंद करवाना है तो फिर आपको उसके लिए क्या करने की जरूरत है, और आपको खुश होने के लिए आपको अपने बारे में अपनी आपको हर लिहाज से प्रायोरिटी देने की जरूरत है, आपको किसी और के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। आपकी फिजिक कैसी होनी चाहिए, आपकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, आप हर वक्त अपने बारे में डालते रहें, आप करीब बैठे वाले लोगों से डिसकनेक्टेड हैं और दूर से दूर जो सात समंदर पार उनके साथ कनेक्टेड हैं, तो आप उनके उस तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं बनस्बत उन लोगों के जो आपके साथ उठना बैठना वो है। और ये जनरेशन एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह चल रही है, बिकॉज दे डोंट रियलाइज के इसकी वजह से और बुराइयां भी आ रही हैं। आप समझ रहे हैं कि शायद ये इस्तेमाल की टेक्नोलॉजी की चीज है, लेकिन आपको असल में अंदाजा नहीं कि आपको आपकी सोच को आपके माइंड्स को मोल्ड किया जा रहा है ताकि उससे बेनिफिट किया जाए, और ये चीज को मजीद प्रॉब्लमेटिक क्रिएट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आपका इतना ऑब्सोलीट सिस्टम है कि वो बस एक हद तक जो है ना बस शायद वर्कर्स ही तैयार कर रहा है, इंटेलेक्चुअल माइंड्स तैयार नहीं कर रहा, उससे कहीं ज्यादा इंसान शायद खुद रोबोट हो जाए। एक छोटा सादा सा मौलवी जो एक मस्जिद में अपना नमाज पढ़ाता है, उसकी जिंदगी महफूज है फितनों से, उसकी जिंदगी महफूज है लग्जरी से, जो आपने अपनी जिंदगी में सराउंड कर लिया है, क़यामत के दिन जिसको आप मजाक उड़ाते थे, हो सकता है वो अल्लाह ताला वो आप हसरत शो करें कि यार मेरी जिंदगी ऐसी होती कि मैं टेम्प्ट ही नहीं होता, मैं उस मसाइल में आई नहीं, मैं यूनिवर्सिटी गया तो मुझे मोहब्बत हो गई, मैं फितनों में आ गया, मेरी आधी जिंदगी इसी बात में निकल गई, मैं उसके साथ शादी कैसे करूं। दुनिया बाकी रहने वाली नहीं है। तुम अलहाकुमुत्तकासुर में लगे हुए हो, तुमने एक दूसरे से आगे बढ़ने की कंपटीशन में अपने आप को कि मेरे इतने माल आ जाए, मेरी ऐसी गाड़ी आ जाए, मेरी ऐसी फिजिक हो जाए, मैं ऐसा लोगों में पसंद करने जाने लगूं, आपने अपने असल मकसद को भुला दिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह के और मजीद वीडियोस पॉसिबल हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आपकी सपोर्ट के साथ। क्लिक ऑन द पेट्रियन लिंक एंड सपोर्ट अस नाउ।